गला साफ कैसे रखें, इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बनाई है, पर और भी कुछ नई चीज़ें हैं जो आप लोग को बताना है। गला साफ रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, एक तो है कि रियाज आपको रेगुलर वे में सही तरीके से करना है। रियाज चल रहा है, बहुत बार क्या होता है कि रियाज चल रहा है फिर भी गले में कफ रहती है बहुत ज़्यादा, गला फंसा फंसा रहता है, ये सभी चीज़ें आती रहती है, फिर भी गला उतना खुला हुआ नहीं रहता, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम, कभी कभी गला दर्द करने लगता है, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है उसके बारे में हम समझेंगे। कुछ पॉइंट्स जैसे म्यूज़िक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन दबाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विजिट करें हमारा वेबसाइट, यहां आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। जैसे बिना काम का ज़्यादा बात ना करें तो ही अच्छा है, अपनी आवाज़ को रियाज में लगाएं, सही सुर गाने में लगाएं तो अच्छा है। बेकार की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं, गंभीर बने, रियाज के बारे में सोचे, स्वर के बारे में सोचे, जितना गले को सही डायरेक्शन में ले जाइएगा उतना गला अच्छा बनेगा, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हेल्थ के बारे में भी सोचना है, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे कफ ज़्यादा बने, शरीर पे फ़र्क पड़े, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो वो तो हेल्थ के लिए भी ख़राब है ना, गले में भी सनसनाहट पैदा करता है, वोकल कॉर्ड बहुत नाजुक चीज़ होती है, इसको थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। बहुत गर्म खा लिए तो वो जला देगा, बहुत तीखा खा रहे हैं तो वो भी जला देगा, ये सभी चीज़ों से थोड़ा बचना है। रेगुलर वे में जो खाना खाते हैं वो खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, मैं कुछ मना नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा, गला गर्म होता है हमारा, अब इसमें अचानक से फ्रिज का कुछ ऐसा पानी जो बहुत 0 डिग्री सी पे हो, 1 डिग्री सी, 2 डिग्री सी, एकदम ठंडा पानी बर्फ़ से निकला हुआ वो पी लिए तो वो थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा ना, ख़राब ही करेगा गले को। ये बातें हैं, बहुत शोर शराबा हो रहा है उसमें आप भी जाके शोर शराबा कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो भी गले पे, ये तो वोकल कॉर्ड है ना, इसको आदत है सुर में गाने की, आप रियाज कर रहे हैं और अचानक से कुछ करने लगे अलग हट के तो फ़र्क पड़ेगा। ये सभी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे वेपर लिया करें, कफ ये सब हटाना है तो वेपर क्या है, पानी को गर्म करें, बहुत गर्म करें, उसमें से जो भाप निकलती है ना, भाप को मुंह के सहारे ले, नाक के सहारे बाहर करें, उसमें अगर ज़रूरत पड़े बहुत कफ है तो कपूर डाल दें, कपूर डाल करके वो भाप लें, ऐसे करके मुंह से लिया करें, नाक से बाहर कर दें, इस तरीके से लेंगे वेपर तो जो हमारा फेफड़ा है उसकी उसमें जो कफ जमा है ना वो सब निकल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, नाक साफ करेगा, गला को साफ करेगा। ये बातें, कभी कभी बहुत ज़्यादा तो गर्म पानी का यूज़ कर लिया करें, नमक पानी थोड़ा पी ले गर्म पानी करके, बहुत गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म करके पी ले, वो थोड़ा गले को गर्म रखता है, साफ़ करता है। ये भी बात है, थोड़ा गार्गल कर लिया करें, गर्म पानी से जो गार्गल करते हैं वो कर लिया करें, प्राणायाम्स करें, अनुलोम विलोम जो सांसों का जो प्राणायाम होता है, फिर भ्रामरी प्राणायाम होता है, ऐसे बंद करके कानों को बंद करके सांस लेके ऐसे ओम की आवाज़ निकालेंगे तो उससे गले में वाइब्रेशन होती है, गला खुलता है, थोड़ा हेडेक भी दूर होती है, सर दर्द ये सब अगर हो तो वो भी बहुत फ्रेश फील होता है, भ्रामरी प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सभी चीज़ें अपने लाइफ में थोड़ा ऐड करें, तो ये सभी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों का तो गला साफ रहेगा। मेन है रियाज, सही तरीके से रियाज करें, जल्दीबाजी ना करें रियाज में, जल्दीबाजी करने से वोकल कॉर्ड पे फ़र्क पड़ेगा, तुरंत रियाज किए, तुरंत गाना गा के टेस्ट कर रहे हैं, ये सभी ना करें, गाना शुरू के कुछ महीने ना गाएं तो अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करें, रियाज के बारे में सोचें, क्लासिकल सुने ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सही सुर वाला अगर चीज़ सुनेगा ना तो गला भी सुर में आएगा, बार बार गाने की टेंडेंसी रखिएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने किताब पढ़ना शुरू किया है अभी और बार बार क्वेश्चन बना के देख रहे हैं एग्ज़ाम वाला बनता है कि नहीं, उससे और ज़्यादा आपको मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा, आपने तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आप एग्ज़ाम के लिए कैसे बैठ रहे, गाना गा के क्यों टेस्ट कर रहे हैं, ये मुश्किल हो जाती है। तो गाना शुरू में ना गाएं तो ही अच्छा है, जब आप समझने लगे गाने को, नोटेशन समझने लगे तब गाएंगे ना तो
बहुत हेल्प होगी, गले को भी आराम होगा, दिमाग भी सही तरीके से चलेगा। तो शुरू के कुछ महीने गाना ना ही गाएं तो अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। शख्सियत प्रोग्राम है राज्यसभा टीवी यूट्यूब पे देता है, बहुत सारे सिंगर्स लोगों को लेके वो प्रोग्राम होता है, वो सुने, वो अच्छा होता है। इस तरीके से आगे बढ़ें, रियाज सही से करें, गला भी साफ रहेगा और हेल्प भी मिलेगी गायकी में। और मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसे देखिए। और अगर कोई बात हो तो कमेंट कीजिए, अपनी पर्सनल चीज़ों को कुछ मुझसे अगर कहनी हो, अपनी बात अगर कुछ कहनी हो तो आप फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनली गाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास दो तरह से होता है, एक वीडियो कॉलिंग के जरिए फेस टू फेस सामने बैठकर, और दूसरा व्हाट्सएप ऑडियो के जरिए।